करते हैं तो लेटर्स से शुरुआत करते हैं, ठीक है। बहुत सारा स्टार्टिंग इंग्लिश ग्रामर में स्टार्ट बहुत तरीके से करते हैं, बट यहाँ पर क्या है कि जब हम लोग छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे को अ आ ई ई से स्टार्ट करते हैं, फिर क ख ग ग पे आते हैं, यानी स्वर वर्ण पढ़ाते हैं फिर व्यंजन वर्ण पढ़ाते हैं। सेम एज हिंदी ग्रामर जैसा है वैसे इंग्लिश ग्रामर भी है। तो हिंदी ग्रामर में हम लोग क्या पढ़े हैं, लेटर्स में हिंदी ग्रामर में स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, वही सेम इंग्लिश में हिंदी में भी पढ़ना, और हिंदी वाला लर्न होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हिंदी वाला चीज़ आपको पता है तो इंग्लिश में आप उसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि हिंदी का यूज़ ही इंग्लिश में होता है, ठीक है। पहले संस्कृत था, संस्कृत के बाद हिंदी है, और हिंदी के बाद इंग्लिश है, ठीक है। तो ये इस तरह का प्रोसेस है, तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो छोटे जब हम लोग थे, छोटे से हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं इंग्लिश का ग्रामर में, कि लेटर्स कितने होते हैं, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ड, और लेटर्स कितने होते हैं, तो टू टाइप्स के लेटर्स होते हैं, कौन कौन से, वावेल एंड कॉन्सोनेंट। अब ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, आर्टिकल्स के यूज़ के लिए। आर्टिकल्स जो हम लोग पढ़ते हैं, आर्टिकल्स का यूज़ होता है उसके लिए करेंगे। अब आर्टिकल्स में क्या है कि जब सेंटेंस के अंदर में ए और एम का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ए का यूज़ और एम में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, और हम लोग को समझ में नहीं आता है कि ए और एम का यूज़ किस तरह से हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। तो ये एकदम मेन चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि किस वजह से कन्फ्यूज़न होता है, इसको पढ़ लेंगे कन्फ्यूज़न खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं वोवेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है। पता है सभी को कितने होते हैं, 5 AE IOU, 5 letters, और रिमेनिंग यानी कि जो रेस्ट बच रहे, रेस्ट ऑफ यानी कि रिमेनिंग 21 letters जो है, तो वो आपके क्या होंगे, कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ पे 5 letters + 21 टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स हो गए, 26। तो 26 क्या हो गया, अल्फ़ाबेट्स। अब हिंदी में जब बात करेंगे तो हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, तो हिंदी की जो वर्ण वाला होती है वो 45, और कितने होते हैं, 52 होती है। 45 जब हम लोग बोलचाल की भाषा में स्पीकिंग के लिए, और रिटन जब हम लोग करते हैं यानी राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो वो 52 है, ठीक है। और भी ऐड है इसमें, बट ये बहुत ज़्यादा है। तो ये क्यों ज़्यादा है, क्योंकि जब हिंदी का एग्जाम्पल देखेंगे क्या होता है, स्वर वर्ण क्या होते हैं, अ आ ई ई उ ए अ अं अ, ठीक है, सो ऑन, ऐसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। एंड कॉन्सोनेंट में क्या है, क ख ग घ सो ऑन ज्ञ तक, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये आपको बताएंगे आ ई क ख ग घ, ठीक है। अब ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये जो आपका है यही आपको बताएंगे साउंड के बारे में, ठीक है। साउंड का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेन काम जो है प्रोनंसिएशन का है, दिस इज़ द कम्युनिकेशन इंग्लिश, और हम लोग ग्रामर जो यूज़ करते हैं बोलचाल की भाषा में बातचीत के लिए, हिंदी भी जो है बातचीत के लिए यूज़ होता है, उसका काम जो होता है वो हम लोग जो प्रोनंसिएट कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसके लिए है। अब यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग इसका इनडेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं, ये हम लोग एक और सेशन देंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल्स किसको बोलते हैं, ए और एम, ठीक है, और द, टी एच ई द और दी, इसका भी यूज़ पढ़ेंगे, दी क्यों बोलते हैं, द कब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो द का जो है वो क्या है, वो आपका डेफिनेट आर्टिकल में द का यूज़ करते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल किस में यूज़ होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउंस के पहले इनडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ होता है, और बहुत सारे जगह है उसको हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के जब बीच में आ करके, या सेंटेंस में जब आता है ये किस तरह से हम लोग ए और एम का यूज़ करते हैं। अब इसमें कन्फ्यूज़न होता है तो देखना है हम लोग को, एक ए का यूज़ किसके साथ करते हैं और एम का किसके साथ, ठीक है, इरेज कर दे रहे हैं, चलिए। ए जो है किसके साथ होता है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जो है आपको दिख रहा है तो ए है, और ए प्लस कॉन्सोनेंट
साउंड, हम लोग बस यही देखते हैं कि पहला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है कि नहीं, उस पर टिक लगा देते और एन ए कर देते, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, आपको इम्पोर्टेंट रखना है साउंड के बारे में, यानी प्रोनंसिएशन उसका क्या आ रहा है। अगर साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है तब उसके आगे ए लगाएंगे, तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर ए है, कॉन्सोनेंट है तो इट्स ओके, बट ए के साथ क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब दूसरा हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, एन किसके साथ रहता है, वोवेल, एंड एन किसके साथ रहेगा जाएगा, वो वोवेल साउंड, ठीक है। तो यहाँ पे वोवेल साउंड बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। बहुत जन देखेंगे यूनिट, यूनिट है, यूनिट, यूनिट क्या एक वर्ड है। अब यूनिट वर्ड है तो उसके आगे क्या लगा है, यू लगा हुआ है। हम लोगों को पता है कि ए या यू, यू से फर्स्ट लेटर अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे आंख बंद करके एन लगा देना है, बट ऐसा नहीं है। यूनिट के आगे क्या लगेगा, ए लगेगा। क्यों लगा ए, क्योंकि य प्रोनंसिएशन क्या हो रहा है, यूनिट, य प्रोनंसिएशन य है, और य किस में आता है बताए, क ख ग ग, यानी व्यंजन वर्ण में आता है, क ख ग ग से लेकर य र ल व, तो ये य किस में आता है, य व्यंजन वर्ण में आता है, इसलिए य है। तो ये कौन सा साउंड हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए कॉन्सोनेंट के साथ क्या होता है, ए लगता है, ठीक है। तो ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, ये इम्पॉर्टेंट है, एन प्लस वोवेल साउंड, ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ए ये हो गया, फिर एक और एग्जाम्पल लेंगे, सेम यू है, यू वाला ही ले लेते हैं, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के आगे यू है, यू दिख रहा है, यू से स्टार्ट हुआ है, यानी ए आई यू, यू है बेस्ट है, ए आई यू, यू से स्टार्ट हुआ है, और इसका साउंड क्या आ रहा है, अम्ब्रेला, अ साउंड है, फर्स्ट लेटर देखना है ऑनली साउंड का। तो फर्स्ट लेटर क्या है, अ है, जैसे ये फर्स्ट लेटर यू है, यू है वेल एंड गुड, बट साउंड भी तो अ ही आ रहा है, यानी कि स्वर वर्ण आ रहा है, और वोवेल से स्टार्ट भी है, वोवेल से स्टार्ट है कोई दिक्कत नहीं, बट साउंड क्या है, हमको इस पे ध्यान देना है, साउंड क्या है, अ है, और अ क्या है, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण के आगे क्या लगता है, स्वर वर्ण के आगे एन, सो एन अम्ब्रेला, ओके। एक दो और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिएगा समझ में आया कि नहीं। अभी देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट में देखिए फर्स्ट लेटर क्या है, एच है, एच क्या है आपका, कॉन्सोनेंट लेटर है, फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, बट जब इसका साउंड की मैं बात करें तो अ है, ठीक है, इसलिए इसके आगे एन ऑनेस्ट लगेगा। क्यों, क्योंकि इसका साउंड क्या आ रहा है, अ, साउंड क्या है, अ, अ क्या है, स्वर वर्ण, और स्वर वर्ण के आगे क्या लगता है, एन, मीन्स वोवेल साउंड क्या आ रहा है, साउंड आ रहा है अ, भले वो एच से स्टार्ट हुआ, साउंड क्या आ रहा है, साउंड पे काम करना है, साउंड क्या आ रहा है, अ, और क्या है, स्वर वर्ण, इसलिए इसके आगे एन, एन ऑनेस्ट, ठीक है। अब आते एम ए, एम ए के आगे क्या होगा, फटाफट देखिएगा, एम ए के आगे क्या होगा, अब देखिए एम डॉट ए इज द एब्रीविएशन ऑफ मास्टर डिग्री इन आर्ट्स, ठीक है, या कुछ भी एब्रीविएशन आप बना लेते हैं, बट जनरली एम ए इज मास्टर डिग्री आर्ट्स, ठीक है। तो एम ए का एब्रीविएटेड है एम ए, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म मास्टर डिग्री इन आर्ट्स। अब एम ए एब्रीविएशन है, अब यहाँ एम के आगे क्या लगेगा, ए, अब देखिए एम है, एम दिख रहा है, यानी कि एम क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, बट इसके आगे क्या है, ए, ए यूज हो रहा है, ए क्या है आपका, ए इज स्वर वर्ण में आता है, इसलिए इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एम ए। लेकिन जैसे ही इसको चेंज करेंगे, एब्रीविएशन को हम चेंज करके क्या लिखे, मास्टर, फुल फॉर्म इसका लिखेंगे मास्टर डिग्री इन आर्ट, सो ऑन, ठीक है। तो मास्टर, अब जब ये म आ गया, ये देखिए मास्टर में म आ गया, यानी प्रोनंसिएशन का म हो रहा, म यानी कि व्यंजन वर्ण है, इसलिए इसके आगे क्या लगेगा, ए, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। आप लोग देखिए इसके आगे हम द का भी यूज आपको बताएंगे, या आज ही के सेशन में बता देते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो करना नहीं चाह रहे, छोटा छोटा स्मॉल वीडियोस रहेगा ताकि आप लोगों को समझ में आएगा, बट ठीक है द का भी यूज देख लीजिए। अभी ये जो द यूज करते हैं, टी एच ई, ठीक है, प्रोनंसिएशन द, और एक प्रोनंसिएशन आपका क्या होता है, दी, ठीक है, दो प्रोनंसिएशन, एक बार क्या होता है द पढ़ते हैं, एक बार दी पढ़ते, तो ये रीजन क्या है, बस ये समझिएगा कि द एक बार क्यों पढ़ते, दी, ये आप लोग फिल्म में बहुत बार देखे होंगे, ठीक है,
दी एंड, इसको क्या पढ़ेंगे, दी एंड। अब ये देखिए ई है, यानी अगर लेटर आपको दिख रहा है कौन सा है, वॉवेल है, अगर लेटर आपका फर्स्ट लेटर वॉवेल दिख रहा है आपको, तो सीधा आपका प्रोनंसिएशन द से क्या हो जाएगा, इट कन्वर्ट्स इनटू दी, दी हो जाएगा, ठीक है, दी एंड, दी एंड पढ़ेंगे। तो इसीलिए वॉवेल आपको दिख रहा है, जहां पे भी वॉवेल दिख रहा है, अगर आप आर्टिकल यूज करें डेफिनेट आर्टिकल द, तो वहां प्रोनंसिएशन पे देखिएगा, अगर वॉवेल्स दिख रहा है ए आई ओ यू से स्टार्ट हुआ है और द हम लोग यूज कर रहे हैं उसके आगे, तब वहां पर द जो है वो उसका प्रोनंसिएशन हो जाएगा दी, दी साउंड करेगा वो, ठीक है, द नहीं होकर के दी हो जाएगा। और रेस्ट ऑफ जितने भी कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट्स लेटर से स्टार्ट हो रहे, सबके साथ आप क्या यूज करेंगे, द, ठीक है। तो दी का प्रोनंसिएशन बस ओनली ये प्रोनंसिएशन के लिए ही यूज होता है और कुछ नहीं। अगर इसमें किसी को डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या डाउट है, फिर हम उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई क्लास।